गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डीबीएमएस। लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एसक्यूएल, एसक्यूएल के फीचर्स की है क्या, उसकी करेक्टरिस्टिक्स है। बेसिकली एसक्यूएल क्या था, हमारे पास जो भी हमारे पास डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन होता है यूजर के थ्रू, वो हम इसके थ्रू करते हैं क्वेरीज के थ्रू। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखें तो अगर एक यूजर और एक एडमिनिस्ट्रेटर दो की अगर हम बात करें, यूजर क्वेरीज के थ्रू जो होता है वो अवेयर नहीं होता है बेसिकली, लेकिन जितना भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो अपना क्वेरी से रिलेट करता है। ठीक है, यूजर जो होते हैं वो तो क्या करते हैं, जो भी डाटा है, जो भी आपको मिला हुआ डाटा है, उसका वो क्या करता है, क्लिक करता है और उसका एक्शन परफॉर्म हो जाता है। हमने कुछ स्टेटमेंट्स पढ़े थे, हमारे पास था डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज था, फिर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज था, डेटा मैनिपुलेशन था, हमारे पास था एक कोडिंग, हमारे पास यूजर ट्रांजिशंस कंट्रोल लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रिएट कमांड। बेसिकली क्रिएट कमांड जो होती है वो हमारी किस होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी कि जो भी कोई डेटा होगा उसको जो हम डिफाइन करेंगे उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है, क्रिएट कमांड। बेसिकली जो आपकी क्रिएट कमांड है वो दोनों में यूज होगी, एक अगर आपको मेरा डीबीएमएस क्रिएट करना है उसमें भी, और अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो उसके लिए। तो बेसिकली जो क्रिएट कमांड है तो क्रिएट न्यू डेटाबेस एंड क्रिएट न्यू टेबल इन द डेटाबेस। क्रिएट कमांड बेसिकली अगर हम देखें तो जितने भी चाहे आपके पास कोई भी डीबीएमएस, अगर आपके पास कोई भी है जैसे चाहे आपके पास एसक्यूएल सर्वर है, आपके पास ओरेकल है, तो जनरली आपके पास जब वो इंस्टॉल है या आपके नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, आपको एक नया डेटाबेस चाहिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो डेटाबेस को क्रिएट करते हैं उसके लिए होता है क्रिएट डेटाबेस, यानी कि जो भी डेटाबेस का आपको नाम मिला। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा क्रिएट स्कूल, यहाँ पर डेटा बेस का जो नेम है वो किसके पर क्या है, स्कूल, यानी कि स्कूल नाम से मेरे पास एक डेटा बेस का नाम क्रिएट हो गया, खाली उस डेटा बेस का नाम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक फाइल बनानी है जिसमें आपने बहुत सारी टेबल्स रखी है, तो उस फाइल का आपने नाम दे दिया, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। हमारे पास जो यहाँ पर क्रिएट सेंटेंस जो होगा, डेटा बेस यानी कि क्रिएट और डेटा बेस का नेम, मीन जो भी डेटा बेस आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे ही एक स्टेटमेंट आपका जो अगर स्टेटमेंट जैसे एग्जीक्यूट होगा तो एक स्कूल का जो नाम से एक डेटा बेस सर्वर पर एक डेटा बेस क्रिएट हो जाए, बट अभी वो एंट्री है उसके अंदर कोई फाइल्स नहीं होगी, कोई फोल्डर नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वो डेटा बेस क्योंकि आपने क्रिएट किया है तो वो डेटा बेस जो है वो आपके सिस्टम में क्रिएट हो जाएगा। अब हम जो भी काम करेंगे उस डेटा बेस के अंदर करेंगे। जब हमारे पास डेटा बेस क्रिएट हो जाता है तो मीन्स हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो टेबल पर क्रिएट करना है, टेबल क्रिएट करना होता है जिसके अंदर हम रिकॉर्ड से अपना डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो क्रिएट टेबल के लिए जो होता है हमारे पास, जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम क्रिएट करते हैं कोई भी न्यू टेबल तो हमारे पास कुछ कॉलम्स होने चाहिए जिसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो मेरे पास क्या क्या चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, स्टूडेंट चाहिए, उसका नेम चाहिए, उसके फादर्स नेम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसका कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, और साथ में उसका क्या चाहिए, मुझे कोर्स चाहिए। हमें मिनिमम सिक्स एट्रीब्यूट्स मुझे चाहिए, यानी कि सिक्स कॉलम्स मुझे चाहिए जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे। ठीक, तो बेसिकली जब भी हम टेबल को कोई भी हमारे पास टेबल है उसे जो हम क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स हैं जो कि आपको स्पेसिफाई करते हैं कि उसके किस कॉलम में क्या डेटा आएगा, और जितने भी हम कॉलम को स्पेसिफाई करेंगे हम हमेशा कॉलम में एक डेटा टाइप को स्पेसिफाई करेंगे कि उसे किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन आईडी की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास न्यूमेरिक भी हो सकती है, खाली अल्फा न्यूमेरिक भी हो सकती है, अल्फा न्यूमेरिक आप ऐसे भी कर सकते हैं जिसे मान लीजिए आपने आर अंडर स्कोर किया होगा, ठीक है, या फिर खाली एक नंबर होगा। तो नेम की अगर हम बात करें तो नेम सिर्फ क्या होगा, हमारे पास एक अल्फाबेटिकल होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर से यूज कर सकते हैं, तो या तो पीरियड ऑपरेटर यूज करेंगे या फिर क्या यूज करेंगे, स्पेस यूज करेंगे। कॉन्टेक्ट नंबर क्या करेगा, खाली एक न्यूमेरिक टाइप होगा, यानी कि इसके अंदर खाली एक डिजिट वैल्यूज आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो इस टाइप से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो भी कॉलम हमें दिया है, जो भी हमने एट्रीब्यूट दिया है, उसका साइज एक हो और उसका टाइप एक हो, किस टाइप का डेटा टाइप स्टोर करें। जनरली टेबल को क्रिएट करने के लिए जो सिंटैक्स होता है वो होता है क्रिएट टेबल। क्रिएट टेबल हमारे पास कीवर्ड है जो कि क्रिएट स्पेसिफाई करेगा कि मुझे क्रिएट करना है, टेबल स्पेसिफाई करते हैं कि हमारे यहाँ पर टेबल क्रिएट हो रही है और साथ में क्या है आपका टेबल नेम, जिस भी नाम से आपको टेबल बनाना है। देन कॉलम नंबर वन, यानी कि जो भी फर्स्ट कॉलम है उसका हम नाम देंगे, साथ में उसका डेटा टाइप, सेम ऐसे कॉलम नंबर, जितने भी कॉलम्स आपको चाहिए उतने कॉलम्स, यानी कि जितने के एट्रीब्यूट्स आपके पास है उतने ही कॉलम्स आपको स्पेसिफाई करने, साथ में उसका डेटा टाइप और उसकी लेंथ। तो अगर देखें तो टेबल नेम जो है वो टेबल का नेम है, कॉलम और कॉलम का नेम, कॉलम्स और डेटा टाइप जो है डेटा टाइप कॉलम। ठीक, अब अगर हम बात करें
एसक्यूएल के अंदर हमारे पास कुछ डेटा टाइप होते हैं जो जनरल नेम टेबल के लिए यूज करते हैं। अगर हम एक मैरिकल लेके जाएं यानी कि जब लॉजिकल एसक्यूएल पे जाते हैं तब तो हमारे पास बहुत सारे डेटा टाइप्स हैं, बट जनरली हमारे पास जो डेटा टाइप टेबल कॉलम के लिए यूज होते हैं वो किससे, सबसे पहले आई होगी एंड स्पेसिफाई करता है कि जो हमारे पास कॉलम है वो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करेगा, यानी उसके अंदर जितना भी डेटा होगा सारा कैसे टाइप का होगा, हमारे पास इंटीजर टाइप का डेटा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास होता है फ्लोट। जनरली इंटीजर और फ्लोट का डिफरेंस क्या है, फ्लोट हमारे पास कंटेन करता है क्या जो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज होती है, और इंटीजर्स खाली कंटेंट करेगा हमारे पास कौन सा नंबरिक वैल्यूज को, तो फ्लोट जनरली जिसमें हमें स्टोर करनी है कोई भी फ्लोट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए आप किसी में अगर आप अमाउंट यूज कर रहे हैं या आप क्या करें किसी प्राइस यूज कर रहे हैं, तो प्राइस वाले कॉलम में हमें फ्लोट वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें क्या चाहिए, जैसे मान लीजिए 100 रुपीज़ 50 पैसा तो 100.50, तो वो सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं डबल। डबल जनरल हमारे पास होते हैं ये भी फ्लोट वैल्यूज होती है, जैसे जनरली हमारे पास अगर उसकी विड्थ हमें बढ़ानी है फ्लोट वैल्यूज में, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंटिफिक कैलकुलेशन की बात करें या मान लीजिए आपको टेबल ऐसा डेटा दिए दें जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें एक सेल है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका साइज देना है, तो वो साइज जो होता है हमारे पास वो डबल में जाता है इसको होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है वैरियर। जनरली हमारे पास जो वैरियर होता है, वैरियर हमारे पास होता है जिस कलेक्टर साइंड स्ट्रिंग होती है। ठीक है, जनरली तो ये स्ट्रिंग ही होती है लेकिन दोनों कंसिडर करेगा आपका कलेक्टर भी और आपका स्ट्रिंग भी। अगर हम इसे इंटीजर देंगे तो इंटीजर क्या करता है हमारे वैल्यू को लेगा, लेकिन वैरियर आपने दोनों ही वैल्यूज को स्टोर कराएगा आपका न्यूमेरिक भी और आपका स्ट्रिंग भी। ठीक है, जो जनरली हम कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स, तो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, आपके नंबर करेक्टर्स भी होंगे, स्ट्रिंग्स भी होंगे, स्पेशल करेक्टर्स भी होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है पैर CHN। जनरली आपके पास अगर मुझे सिंगल करेक्टर को यूज करना है यानी कि मुझे खाली सिंगल करेक्टर को स्टोर कराना है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्टूडेंट का ये बताना है कि वो जो भी कोई कैंडिडेट हमारे पास आ रहा है वो मेल है या फीमेल है, तो हमें सिंगल करेक्टर चाहिए, इससे ज्यादा हम उसमें नहीं है, तो हम उसके लिए दो कॉलम फिक्स करें, एक एम और एक क्या करें एप, तो मेल और फीमेल यानी कि दोनों के लिए तो हमें सिंगल करेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है और इसमें यूज करते हैं क्या। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेम। बेसिकली नेम ही हमारे पास स्पेसिफाई कर रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने मान लीजिए मेरे पास स्टूडेंट का ही डेटा बेस मुझे बनाना है, उसके साथ में डेट ऑफ एडमिशन भी दे दिए मुझे, तो यानी कि डेट का मान जो होगा आपके पास डेट जो फॉर्मसी होता है आपके पास यूज फॉर कॉलम विच इज फॉर डेट वैल्यू जो डेट को ही स्टोर करेगा। नेक्स्ट हमारे पास होता है टेक्स्ट। जनरली टेक्स्ट जो होता है वो कॉलम के लिए होता है, जो कि टेक्स्ट को जनरली हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये आता है कि जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है अपने ही स्कूल कॉलेज के अंदर जितने भी फैकल्टीज है उनका एक तरीके से डेटा जो है उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन को अपलोड करनी है। ठीक है, हमने क्या किया टीचर्स की रजिस्ट्रेशन आईडी डाल रखी, उनका नेम डाल रखा, उनका पे डाल, साथ में उनका प्रोफाइल ऐड करना चाहते हैं, तो प्रोफाइल एक सिंगल वर्ड में तो नहीं रखेंगे, आप उसमें मल्टीपल करेक्टर्स या मल्टीपल टेक्स्ट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, तो उस केस में हमारे पास कौन सा टेबल यूज होता है, डेटा टाइप यूज होता है हमारे पास टेक्स्ट। ठीक है, तो बेसिकली जनरली हमारे पास एक पूरी टेबल यानी कि एक डेटा बेस हो चाहे किसी भी टाइप का डेटा बेस है, हमें ये इनकी जरूरत पड़ती है इन डेटा टाइप्स की। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा बेस क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपके पास नॉर्मल डेटा बेस है तो आप उसके अकॉर्डिंग यूज करोगे, अगर आपको एक हाई प्रोफाइल डेटा बेस को क्रिएट करना है तो उसके लिए सारे कार्यक्रम जो टेक्स है हमारे पास जितने भी डेटा टाइप्स है वो सारे हमारे यूज होते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हमें न्यू टेबल क्रिएट करनी है, कॉलम आईडी नेम सिटी है डिग्री है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम दे दिया मैंने, एक स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट की है, उसमें दिया मैंने आईडी इंटीजर टाइप की दी। ठीक है, यंगर स्टूडेंट आईडी मेरे पास नाम आ गया उसका। ठीक है, क्रिएट का नेम दे दिया मैंने, इंटीजर उसका डेटा टाइप बता दिया कि इंटीजर टाइप का डेटा होगा, बट मैंने कंडीशन भी दी नॉट नल। नॉट नल का मतलब है आप उसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ठीक है, जनरली क्या होता है कभी कभी ऐसा होता है कि हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल बट ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि आप जब भी किसी स्कूल का या कॉलेज का डेटाबेस बनाएंगे तो उसमें उसी का की एंट्री करेंगे जो स्टूडेंट आपके यहाँ रजिस्टर्ड है, तो ऑब्वियसली बात है उस आईडी होगी ही होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आईडी आपके अंदर हो या आपसे ब्लैंक छोड़ पाए, तो वही चीज़ है आईडी इंटीजर टाइप का डेटा होगा नॉट नल, यानी कि वो नल वैल्यूज को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक, नेम वन का मैंने बनाया, नेम मेरे फ्रेंड का नेम है वैल्कर है जो कि नॉट वन, यानी कि वैल्कर हमने यूज किया है। ठीक है, और दूसरा कितना इसका साइज 50 हमने यूज किया और साथ में क्या दिया नॉट नल, यानी कि नेम भी नल नहीं होगा
ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई स्टूडेंट आया है जो आपके यहाँ रजिस्टर्ड हुआ है तो उसका नेम तो जरूर होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि उसका नेम भी ना हो आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट सिटी ऑब्वियसली बात है चाहे कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी आया हो किसी ना किसी सिटी को बिलोंग जरूर करेगा, तो हम लोग से भी बीएससी वेलकम ड्यूटी और नल, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि अब यहाँ पर हमने सिटी को नल कर दिया, ठीक है। नल का मतलब ये है कि वो वैल्यूज नल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकता है, आप जितना देंगे वो तो ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट ऐसा है कि उसको सीधा विलेज का नेम है उसके बाद वो स्टेट लिखता है, ठीक है, या आपकी डिस्ट्रिक्ट लिखता है, सिटी नहीं लिख पाता। जैसे विलेजेस में होता है वो सीधे क्या करते हैं अपने गांव का एड्रेस लिखते हैं और उसके आगे क्या लिख देते हैं सीधा अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिखते हैं। तो बेसिकली क्या है कि वो नल हो सकती है। ई मेल आई डी 100, अब ई मेल आई डी हर स्टूडेंट के पास तो जरूरी नहीं है, तो उसमें भी कंडीशन देती बन गया लेकिन नल वैल्यू को अभी एक्सेप्ट कर सकता है। मीन्स कोई स्टूडेंट अगर आपके पास आएगा और उसके पास अगर ई मेल आई डी नहीं है तब भी इस पर भी एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अगर नहीं है तो अब आप स्टेटमेंट में न्यू टेबल क्रिएट करेगा जिसमें फोर कॉलम्स होंगे हमें और हर किसी कॉलम्स में हमें एक दूसरी कॉलम के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर होगा, उसकी विड्थ कितनी होगी और साथ में हमारे पास जो डेटा है उसका उसके अंदर क्या कंडीशंस में हमारे पास मीन्स वो नल वैल्यूज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा वो हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये इनिशियली जब हम देखते हैं क्योंकि एक स्टैंडर्ड डेटाबेस जब भी हम क्रिएट करते हैं तो सारे के सारे कंडीशन हम इनिशियली दे करके चलते हैं। उसका रीजन ये होता है कि जब भी कभी कभी कोई भी यूजर अगर बैठा है, मान लीजिए क्या है कि आपने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया उसका डेटाबेस डिजाइन किया, अब जो सामने एक्सेस करने वाला वो खाली यूजर है उसे ये नहीं पता क्वेरी कैसे रन होगी कैसे नहीं। अगर इन केस उसने आईडी डाल दिया नेम को ब्लैंक छोड़ दिया तो वो डेटाबेस के अंदर ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने उस टेबल में कंडीशन लगा रखी है कि अगर नेम नॉट नल है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा या आईडी अगर उसके नल है तो वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें हमने ये रिकॉर्ड एंटर करें आईडी डाल दी है नेम डाल दिया सिटी भी डाल दिया ई मेल आईडी डाल दिया, ठीक है। अगर ई मेल आईडी को हम नल करना चाहते तो कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ई मेल आईडी हमारे नल वैल्यूज को एक्सेप्ट कर सकते। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हम मुझे एक नई टेबल क्रिएट करनी लेकिन किसी एग्जिस्टिंग टेबल से, ठीक है, मीन्स एक टेबल मुझे चाहिए बट एक टेबल मेरे पास ऑलरेडी एक्जिस्ट कर रही है उसी से मुझे क्या करना है नई टेबल एक्जिस्ट अपनी क्रिएट करनी, तो उसके लिए भी हमारे पास जो डीबीएमएस है हमारा वो उसे सपोर्ट करता है और उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो ये होती है क्रिएट टेबल जो भी आपका टेबल ये देंगे, ठीक है, यहाँ तक का सिंटैक्स सेम है क्रिएट टेबल टेबल एस एस हमारा कीवर्ड होता है जो कि स्पेसिफाई करता है एस सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट के जितने भी फील्ड्स हैं जो भी डेटा है वो सारा का सारा सेलेक्ट करेगा और एक नई टेबल बनाएगा डीबीएम के अंदर स्टूडेंट, ठीक है। ये जनरली कभी कभी इस तरीके से होती है कि हमें एक ही चीज़ के दो टेबल बनानी है, एक पर्सन उसमें कुछ और काम कर रहा है, हमें चाहते हैं कि मेन डेटा भी हमारा ऑल्टर ना हो उसी में कुछ चेंजेस हो जाए तो उसके लिए हम क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मेरे पास कोई भी, यानी कि आपके पास ऑलरेडी कोई टेबल है और उस टेबल से अगर आपको कोई भी एक न्यू टेबल जनरेट करनी है तो वहीं से आपकी जनरेट हो जाएगी, आपको सारी एंट्रीज दोबारा करने की जरूरत नहीं होगी। तो उसके लिए हमारे पास जो क्या कमांड होगी क्रिएट टेबल टेबल एज हमारे पास एक कीवर्ड होता है जो हम यूज करते हैं एज सेलेक्ट कमांड से सेलेक्ट एक्सट्रीम फ्रॉम स्टूडेंट, एक्सट्रीम का मतलब है ये सारे फील्ड्स लेगा सारे रिकॉर्ड्स लेगा, यानी कि उस टेबल के अंदर जैसे कि स्टूडेंट टेबल में हमारे पास थ्री एंट्रीज है तो इन तीनों का नाम लेगा और तीनों की सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें एक तरीके से टैप जो हमारे पास स्टूडेंट टैप अंडरस्कोर स्टूडेंट जो टेबल बन के आएगी वो एक तरीके से डुप्लीकेट टेबल होगी मेरे स्टूडेंट के, वैल्यूज नहीं चाहिए। मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स मुझे सारे नेम नहीं चाहिए, मुझे मान लीजिए स्टूडेंट्स का नेम चाहिए और उनकी आईडी चाहिए, ठीक है। तो हमें सिर्फ दो ही कॉलम्स चाहिए यानी कि दो ही एट्रीब्यूट्स हमें मुझे रिक्वायर्ड है तो हम उस तरीके से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिंटैक्स क्या रहेगा क्रिएट टेबल टेबल एज सेलेक्ट, अब यहाँ जो मुझे एट्रीब्यूट्स है सिर्फ वो नाम देंगे जैसे मुझे आईडी एट्रीब्यूट है और नेम देना है फ्रॉम टेबल किस टेबल से मुझे डेटा को उठाना यानी किस टेबल से मुझे डेटा को क्या करना है सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए जो हमारे पास वो कितना है सेलेक्ट आईडी और नेम फ्रॉम स्टूडेंट, अब क्या होगा जो टेबल मेरे पास एक बन करके आएगी टैप अंडरस्कोर स्टूडेंट उसमें दो ही फील्ड होंगे एक आईडी फील्ड होगा और एक क्या फील्ड होगा मेरे पास नेम फील्ड होगा। चलिए ये तो भी हमारे पास टेबल क्रिएट करने का यानी कि टेबल
उसको हम क्रिएट क्या कर सकते हैं और किस तरीके से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए टेबल के क्रिएशन में हमारे बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स भी लग सकते हैं, जैसे प्राइमरी की अगर किसी को बनाना चाहे, आईडी को हम बनाना चाहे तो आईडी हमारे पास प्राइमरी की बन सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, नॉर्मल मैंने दिया है तो नॉर्मल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप उसमें दे सकते हैं एज अ प्राइमरी की, ठीक है। कीवर्ड यूज होता है एज प्राइमरी की, ठीक है। दूसरा ऐसे अगर आपको कोई फॉरन की बनानी है तो एक नाम देते हैं हम टपल का कोई भी, जैसे ए दे दिया ए एज फॉरन की, तो बेसिकली इनसे वो प्राइमरी की एक्सेप्ट करेगा। दूसरा ये प्राइमरी की का मतलब है उसमें डुप्लीकेट या राइस नहीं होगी, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा आता है कि जो टेबल हम बना लेते हैं, क्या मान के टेबल आपकी बन गई है बट आपको लगता है कि टेबल का जो फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन है या टेबल जो आपने बनाई है वो आपकी सही नहीं है, आपको उसे ड्रॉप करना है यानी उसे डिलीट करना है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ड्रॉप कमांड होती है, ये भी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है। तो ड्रॉप कमांड का जो बेसिकली काम होता है वो ये होता है कि वो क्या करते हैं टेबल को ड्रॉप कर देती है यानी कि टेबल को डिलीट कर देती है, और खाली टेबल को ही नहीं या फिर डेटा बेस को भी डिलीट कर देती है, ठीक है। तो ड्रॉप कमांड यूज करके डेटा बेस ऑब्जेक्ट है फ्रॉम डीबीएम से और डिलीट टेबल फ्रॉम द डेटा बेस। इसके लिए सिंपल कमांड होती है ड्रॉप डेटा बेस और डेटा बेस का नाम, यानी कि अगर आपको डेटा बेस ड्रॉप करना है तो ड्रॉप डेटा बेस और डेटा बेस का नेम। बट एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि जब भी हम डेटाबेस ड्रॉप कमांड लगाते हैं तो वो कभी भी रोल बैक नहीं होगी, यानी कि अगर आपने टेबल को डिलीट कर दिया तो वो डिलीट ही हो जाएगी, आप उसे रिकवर नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक मेन फीचर्स होता है ड्रॉप कमांड होते हैं नॉट बी रोल बैक, आप उसे रोल बैक नहीं कर सकते। अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ड्रॉप डेटाबेस स्कूल, यानी कि जो स्कूल का हमने डेटाबेस बनाया था जो हमने प्रीवियसली पहले डिजाइन किया था उसको ये ड्रॉप कर देगा, यानी जब डेटाबेस ड्रॉप का डिलीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपका टेबल है टेबल को बनाने तो ड्रॉप टेबल टेबल होगा, ठीक है। अब खाली टेबल हमारे डेटाबेस से ड्रॉप नहीं होते, आपके जितने भी फीचर्स हैं व्यूज हम बनाते हैं प्रोसेसर्स जो बनाते हैं सबके सब जो हम डिलीट करेंगे वो ड्रॉप से, ठीक है। दो चीज होती है, अगर मुझे कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है तो उसके लिए डिलीट कमांड होगी क्योंकि डेटा मैनिपुलेशन में आएगी, और अगर मुझे डेटाबेस को या फिर टेबल को डिलीट करना है तो उसके लिए ड्रॉप कमांड यूज होती है। चाहे आपके पास व्यू डिलीट करना है, चाहे आपको प्रोसेसर डिलीट करना है, चाहे आपको टेबल डिलीट करना है, चाहे डेटाबेस डिलीट करना है, तो इनके लिए लगी थी हमारी कौन सी कमांड ड्रॉप, ठीक है। अगर मुझे किसी भी रिकॉर्ड डिलीट करना है कोई भी मेरे पास अगर फील्ड में से वैल्यू डिलीट करनी है तो उसके लिए हमारे पास लगता है कौन सा डिलीट ऑप्शन। टेबल के लिए ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, यानी कि क्या करेंगे जो स्टूडेंट टेबल हमने बनाई थी उसको वो ड्रॉप करेगा। तो ये हमारे पास के डेटा डेफिनेशन के लिए दो हमने कमांड पढ़े, एक क्रिएट कमांड और एक ड्रॉप कमांड। क्रिएट कमांड बेसिकली किसी डेटाबेस को या किसी डेटा टेबल को क्रिएट करने के लिए, और ड्रॉप कमांड का मतलब होता है जब हम किसी डेटाबेस को या फिर किसी भी अपने टेबल को डिलीट करना चाहे तो उसके लिए, ठीक है। इसको डिलीट कर लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।